See, I personally believe कि किसी भी शो की ना एक डेस्टिनी होती है एक और आप अगर उससे अटैच हो जाते हैं तो it's just you know situation एक ऐसी situation आती है कि आप सही वक्त पे सही जगह होते हैं और आप भी वो करना चाहते हैं सामने वाला आपको वो काम देना चाहते हैं that is how you get in but having said that a lot of people call me very choosy when it comes to roles and many that I do not do a lot of work उसमें से काफी हद तक बात सच है लेकिन काफी हद तक गलत भी है क्योंकि there was a lean phase in my life last year when I had no work and I was looking for work when I wasn't getting any and I think that's the phase जिसने मुझे realize कराया कि जो मैं हूँ असलियत में जो मैं वैसे था कि मेरे को वही काम करना है जो मैं जिसमें मुझे लगता है मैं जस्टिस कर सकता हूँ and something that really appeals to me I should only do that so I think Laado was one show जिसका जब character मुझे सुनाया गया जब मैंने audition दिया उसके बाद I really wanted to do it because इसका एक तो it's a big name because इसका पहला show पहला season बहुत हिट था and big name not because it was a hit big name इसलिए because it was dealing with a very good topic it dealt very aesthetically and बहुत ही उम्दा performances थी इसके अंदर तो मेरा तो काफी मन था करने का and when the season 2 was offered I said यार what could be better than this to be very honest I think Yuvraaj for me is the easiest character to play right now because Yuvraaj and Shaleen are very much alike क्या मैं हर बार एक चीज लोगों को पहले भी interview में बोल चुका हूँ कि एक एक्टर को कोई भी सीन या कोई भी कैरेक्टर रिक्रिएट करने के लिए ना आपके अंदर एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कैरेक्टर में ज्यादा दिखती है आपको बस उभारना होता है जब मैंने एक शो पहले किया था लाइक आई डिड अर्जुन में दे वाज एंग्री तो मेरे को एंगर पार्ट अपना बार बार एनहांस करके सामने लाना होता था युवराज इज अ वेरी 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 नॉर्मल गाय ही इज समवन यू कुड रिलेट टू हिज यू हिज मी क्योंकि वो लोगों की टांग खींचता है हंसते हंसते सब कुछ बोल जाता है पावर है हाथ में लेकिन उसका मिसयूज नहीं करता है और जब यूज करना होता है वहीं करता है सही इसकी तौर तरीके अलग है लेकिन इसका मोटिव गलत नहीं है तो आई थिंक सो फार इट्स द इजीएस्ट अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट व्हाट डिफिकल्ट इट बिकम्स एज एन एक्टर फॉर मी इसकी असल जिंदगी में आप जो होते हो वो अलग अलग दिन होते हो ना एक ही दिन में आपको वो तीन सिचुएशन दी जाती है और आपको ये बैलेंस करना है कि जो आप नेचुरली प्ले कर रहे हैं एक सुपर स्मार्ट या फिर एक हसलर या फिर एक स्ट्रीट स्मार्ट गाय सही आपको बैलेंस है इमोशनल क्वेश्चन ऑल्सो तो वो थोड़ा चैलेंजिंग है कि वो रियल लगना चाहिए वो सिर्फ वो मस्ती मस्ती में ना निकल जाए कि मस्ती करता है लड़का निकल गया वो नहीं ही मीन्स बिजनेस दैट हैज टू कम आउट विद अ लॉट ऑफ ईज देखिए बहुत डिफिकल्ट अगर ये कह दूं कि आसान है और हिम्मत रखिए और निकल जाएगा ऐसा होता नहीं है कि एट द एंड ऑफ द डे आपके सर पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आपकी जैसे आई एम अ मैरिड गाय आई हैव अ वाइफ टू टेक केयर ऑफ आई हैव अ हाउस आई हैव माय पेरेंट्स हु हैव टू आंसर मोर देन आई हैव टू आंसर माय सेल्फ और क्या होता है ना जब आप हर सुबह उठते हैं और आप हर सुबह एक खबर पढ़ते हैं कि एक शो है जो आपको नहीं मिला और किसी और को मिल गया आपको ऐसा लगता है यार मेरे में कुछ कमी होगी वो जो जोन है ना उस जोन से बाहर रहना और उससे बचना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपकी जिंदगी में कोई भी लीन फेज आया एज एन एक्टर इफ यू नो दैट नहीं यार वो बेटर होना इज नॉट द पॉइंट मे बी ये नहीं था कोई और हो सही यू डोंट हैव टू एंटर दैट डिप्रेसिंग जोन कि यार शायद वो मेरे से बेटर होगा शायद मैं इस लायक नहीं हूं ये तो मैंने जिंदगी में ना सोचा है ना सोचूंगा और आई थिंक आई एम वेरी ग्लैड कि माय वाइफ वाज देयर टू सपोर्ट मी बिकॉज बीच में एक ऐसा फेज आया था मैंने कहा था यार कोई भी रोल पकड़ लेता था ना वो सही हो ना हो बट यू नो यू नीड टू गो ऑन विद वर्क एंड यू नीड टू कैरी इट बट शी वंस टोल्ड मी कहती यार लॉन्ग बैक बिफोर वी गॉट मैरिड यू टोल्ड मी ऑन द फोन दैट बिकॉज व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग दिस इज बिफोर अर्जुन दिस इज 2011 एंड 2012 आई थॉट दैट आई पैक माय बैग्स एंड गो बैक टू दिल्ली एंड यू नो इट्स बीन 3 इयर्स आई हैव टू मैरी हर बिफोर दैट आई हैव टू सेटल डाउन सो शी सेड व्हाट्स योर प्लान तो आई सेड यार देखो आखिरी के 3-4 महीने बचे हैं जान लगा लेते हैं मुझे उम्मीद है मुझे लगता है मैं बॉम्बे छोड़ के तो नहीं आने वाला हूँ सो शी गॉट दैट कॉन्फिडेंस दैट यू हैड एंड देन यू गॉट वर्क जस्ट कीप दैट कॉन्फिडेंस ऑन विद यू एंड यू नो बिकॉज तुम अभी कुछ पकड़ लोगे उसके बाद तुम खुश नहीं होगे और उसके बाद वो ज्यादा गलत फील होगा सो आई सेड ठीक है सो देन आई थिंक फ्रॉम वेयर और वट एवर हैपेंड आई जस्ट सेड कि नहीं है वट एवर आई रियली डोंट थिंक आई डिजर्व और आई डिजर्व बेटर
I'll only go for that. So then I just waited, relaxed, worked on my acting skills. And I really work a lot on my acting skills. To be very honest, ये बहुत लोग बोलते हैं और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ. मैं बहुत cruel हूँ जब acting की बात आती है क्योंकि मैं अच्छा actor नहीं हूँ. मैं खुद बोलता हूँ. लेकिन जो actor खुद को अच्छा actor बोलते हैं, मैं उनके सामने Oscar winning actor. I really need to tell these people, यार जब एक लड़के का ऐसा बुरा face आता ना एक actor का, उस भगवान ना करे आपको वो face देखना पड़े, तो जो आपको मौका मिला है ना उसका प्लीज अच्छे से इस्तेमाल करो. बिकॉज आपकी वजह से आपके इस हस्ती हा हा की पार्टी करने या फिर मस्ती और ऐसी जिंदगी जीने की यार ये एक्टिंग जाया हो जाएगी, इसके चक्कर में ना कितने एक्टर हैं जो घर पे बैठे होंगे who deserve it. So please work for it. And those to the people who are in my place, I really wish you that you get out of the place very soon. But having said that, I think ये जगह भी ना एक एक्टर को देखनी बहुत जरूरी है. This is an experience that will help you as an actor. This is an experience that will help you as a human. And it's an experience that you'll never forget. Having said that, just never get depressed and think low of yourself. Never. Well, you can easily call it as my comeback show. तो मेरी जिंदगी में तो it's like another jump start. तो जितना मेरे लिए पहला show important था, उतना ही मेरे लिए important है. और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि क्या होता है ना, हम somehow ना चाहते हुए भी हम जो होशियार इंसान है हम बेवकूफों वाली बातें कर देते हैं. हम क्या करते हैं, एक्टर को लिमिट कर देते हैं. कैसे कि यार ये उसमें अग्रेसिव और रूड था तो ये रूड और अग्रेसिव भी बन सकता है. अब असल जिंदगी में मैं अग्रेसिव होता ही नहीं हूँ. अब मैं हंसता खेलता ऐसे ही लड़का चुलबुला सा, अब उसको आपने वैसा बना के रख दिया है. तो आई थिंक फॉर मी इट इज इम्पोर्टेंट कि मेरे को लोगों को ये भी दिखाना बहुत जरूरी है कि यार देखो भाई मैं ऐसा भी हूँ, मेरे को ये भी आता है, मेरे को ये भी आता है. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ वेरिएशन टू माय एक्टिंग एज एन एक्टर. इट इज गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ बूस्ट टू माय करियर, अ मोरल बूस्ट टू मी व्हिच इज वेरी मच नीडेड, अ फाइनेंशियल बूस्ट ऑफ कोर्स. सो आई थिंक दिस इज वन प्लेस जहां मैं खड़ा होके अब आगे की सोच सकता हूँ. इट्स लाइक व्हेन यू स्टेप ऑन टू अनदर प्लैनेट यू लुक फॉरवर्ड फॉर द अदर. सो इट्स द सेम थिंग. सो आई वॉन्टेड टू गेट वर्क, आई वॉन्टेड टू गेट गुड वर्क. After getting good work, I wanted to get recognition. After recognition, I wanted to get awards. Awards is a different ballgame. I wanted to get recognition. After that, I wanted to do good work. Do good work. Now be known as a hero who can act. Okay. Is my final aim. I do not want to be कि यार इससे अच्छा एक्टर दुनिया में नहीं है. I do not want to be कि इससे बड़ा हीरो कोई नहीं लेकिन इसे एक्टिंग नहीं आती. I want to be a hero who knows how to act. You know, बहुत ही अजीब बात है लेकिन ना मैं बचपन से बड़ा फिल्मी रहा हूँ. अच्छा. क्योंकि मैं हॉलीवुड बफ इतना बड़ा हूँ, मैं बॉलीवुड बफ बहुत बड़ा हूँ. आई थिंक मैं 70 और 80 के दशक से जो मूवीज देखनी शुरू की हैं मैंने, तो अगर आप ध्यान से देखें ना तो 70 80 के दशक में मूवीज कैसी भी हो या कोई भी कहानी लो लेकिन उसमें हीरो दिखता है. yeah. मतलब हीरो है. yeah. उसमें एक्टर लीड सेकेंड लीड नहीं था, उसमें हीरो है. मतलब अगर बच्चन साहब आए हैं तो हीरो आया है. तो मैं उसी सपना को देख देख के बड़ा हुआ था कि हीरो बनना है, हीरो बनना है. मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे को बहुत अच्छा एक्टर बनना है. वो समाज जस्ट हैपेंड कि मेरे अंदर एक कीड़ा बढ़ का, लेकिन मैंने सोचा मेरे को हीरो बनना है. तो आई थिंक मेरे लिए व्हाट वी रियली अकम्प्लिश इट इज कि अगर मैं उस लेवल पे पहुंच पाया कि जब मैं अपने आपको 70 mm पे देख सकूं, एक बड़े पर्दे पर देख सकूं, वैसी एक मूवी का फेम, वैसी एक मूवी का क्रेज और वैसी एक मूवी की परफॉर्मेंसेस दोहरा सकूं जिसमें आप देख के कहे भाई ये हीरो आया है. जब आप अपने घर के बाहर निकले अपने बर्थडे पे, जब शाहरुख खान निकलते हैं तो नीचे आपको रोड नहीं दिखती, जब आपको वो दिखे, जब आपको ये लगना शुरू हो जाए कि यार यहां से फेल होना मतलब बहुत बुरा है. आई थिंक मेरे लिए जिंदगी में सबसे बड़ी चीज जो है वो है द फियर ऑफ फेलियर is the pushing factor in my life. I do not want to fail. It's because I've seen failures. I do not want to fail. तो मैं उसके लिए ज़्यादा मेहनत करता हूँ कि मुझे फेल नहीं होना है. तो आई थिंक वो लेवल पे पहुंचना, जब आपको लगे कि यार आप फेल नहीं होना चाहते और आप जहां हो वहां से एक स्टेप भी नीचे आना मतलब बहुत नीचे गिरना. और मेरी माँ दुनिया की सबसे बड़ी क्रिटिक है मेरी, जिसने मेरी माँ बोलते नहीं बेटा आज तूने अच्छा कर दिया है, बस that day is it.
Well, all that I can really say is that I always ask for is just keep the love coming and keep it growing every single second. Because to be very honest, it was really a ray of sunlight, a ray of light when I was in the dark tunnel. Because even when I wasn't doing anything, you people was there to support. You people were there to make those VMs, beautiful VMs, beautiful edits, always motivating me, asking me. And I think a major thank you goes to you guys for being there, for loving me and praising and appreciating me. So please keep doing that, and I hope that I continue doing what I'm trying to do, is entertain you and be loved by you. Thank you. Hi, this is Shaleen Malhotra, and you're watching me on GlitzVision.